नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस। नई उड़ान हिंदी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे और आज एंट्रेंस है क्लास 11 के साइंस का। सो कुछ ही पल में हमारे बीच वो सारे बच्चे मौजूद होंगे जो अंदर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पेपर किस लेवल का था, उनका क्वेश्चन किस तरह से आए थे, किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस बार के क्वेश्चन में कुछ मैचिंग हुआ, पैटर्न सेम था या बिल्कुल अलग था और भी बहुत कुछ। इनाया रहमान। कहाँ से आई हैं? मैं सहसपुर से। अच्छा, आज आपका किस चीज़ का पेपर था? साइंस डिप्लोमा इन साइंस का था। 11? जी, 11th स्टैंडर्ड। तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। आपके हिसाब से क्वेश्चंस कैसे आए थे? अच्छे आए थे, काफ़ी सही थे, बस थोड़ी जीके में प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज अब पढ़ी नहीं थी ना जीके के बारे में कुछ। तो किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, क्या आप एक्सप्लेन में बता सकती हैं? जी, जीके के अप्रोक्स 10 क्वेश्चन थे और मैथ्स के 25 क्वेश्चन थे और 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 बायोलॉजी, इंग्लिश के भी थे 20 क्वेश्चन। सो आपने तैयारी किस तरह से करी थी? तैयारी जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम दिया था बस वही तैयारी थी और उसके बाद थोड़ी शफीक गाइड थी हमारे पास, उसको थोड़ा लगाया था और एग्जाम्पल जो लास्ट ईयर पेपर होते हैं PYQs वो करे थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव, कोई नेगेटिव मार्किंग? नहीं, नेगेटिव मार्किंग वैसे तो मतलब बोल रखा है लेकिन है नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आपने कितना अटैम्प्ट करा था? 100 अटैम्प्ट करे हैं और अच्छा गया है। सो टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 100। आपने कितना अटैम्प्ट किया? सारे गलत। कोई नेगेटिव मार्किंग थी? नहीं नहीं नेगेटिव। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? सही था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, मॉडरेट था। आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था? हाँ, 2-3 क्वेश्चंस थे उसमें। उस अकॉर्डिंग और एज कंपैरिजन टू आज का एग्जाम क्वेश्चंस कैसे थे? थोड़े डिफिकल्ट थे, सिमिलर थे? ट्रिकी थे सारे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के एंट्रेंस के लिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप टैकल कर सकते हैं? मतलब NCERT की बुक तो मतलब करनी है, ऊपर से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बुक आती है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब, इन सब की प्रैक्टिस करनी। आज के एग्जाम में आपको कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ लगा था? मुझे मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ लगे थे बस। आपका नाम क्या है? आतिफ समीम मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। आज आपका किस चीज़ का पेपर था? साइंस का 11th का एंट्रेंस। सो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, उतना दिमाग ट्विस्ट करने वाला था ये सब, पर आसान था क्वेश्चन, आसान था। किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगे? GK, वो ज़्यादा हम अच्छा तैयारी नहीं किए थे GK। आपने किस तरह से तैयारी करी थी एंट्रेंस? तैयारी तो वैसे हम 10th से मतलब जो 10th का सिलेबस था वैसे ही था, तो हम 10th क्लास के मतलब उसी से पढ़े हैं। नहीं तो आप किस तरह से तैयारी करी थी, कोई कोचिंग ज्वाइन करा या फिर कोई NCERT की बुक पढ़ी, क्या कैसे? नहीं, कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, NCERT से पढ़े हमसे। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया था टोटल क्वेश्चन? टोटल पूरा 100 और 200। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या है? इनम खुर्शीद। कहाँ से आई हैं आप? मैं UP से आई हूँ। अच्छा, आज किस चीज़ का पेपर था? साइंस का। तो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा ही गया, ठीक गया। कितने क्वेश्चंस थे? 100 क्वेश्चंस थे। किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे और कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? मैथ से 20 क्वेश्चंस आए थे और GK से 10 और साइंस में साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें 15 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तो आपको आपके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ लगा जो आपसे नहीं हो पाया? GK। अच्छा, तो आपने तैयारी किस तरह से करी थी? नॉर्मली NCERT बुक से और एक जामिया का बुक था उससे। आपको क्या लगता है कि अगर नॉर्मल NCERT बुक से तैयारी की जाए तो क्या एंट्रेंस निकल जाएगा या पेपर देने में आसानी लगेगा? हाँ, हो सकता है, NCERT से भी हो सकता है। तो आपने 100 क्वेश्चंस में टोटल कितने अटेम्प्ट करे थे? 100 में 100। आपको क्या लगता है आपका एंट्रेंस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, आई होप आपका भी, आप जामिया का पार्ट बनो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स। आप दोनों का पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया पेपर, मेरा भी बहुत अच्छा गया। किस सब्जेक्ट से आपको, किस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगे थे? थोड़े से मैथ्स से, मुझे भी मैथ्स एंड फिजिक्स। और टोटल कितने सेक्शंस थे, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे बता सकती हैं?
जीके से 10 आए थे और 45 आए थे साइंस से, 25 इंग्लिश और 45 थे इंग्लिश, नहीं 45 साइंस थे, 20 मैथ्स। तो आपने कितने अटेम्प्ट करे थे? मैंने 85 थे मैंने शायद। कोई नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं? नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं, नहीं। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है आपका पेपर जिस तरह से गया आपका सिलेक्शन हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। और एक चीज़ और बताइए कि आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह से करा था? एनसीईआरटी, यस एनसीईआरटी और लखनऊ सिंह साइड। अच्छा, तो क्या आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था? देखा था। तो आपको क्या लगा क्वेश्चन पेपर देखे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इस बार का क्वेश्चन मैच था या फिर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं बिल्कुल मैच नहीं, बिल्कुल मैच नहीं था, मैच नहीं था। ओके, किस तरह से क्वेश्चन बाहर थे, कुछ ऐसे न्यू क्वेश्चन जो आप बता सके? नहीं न्यू क्वेश्चन मतलब इतने ज्यादा नहीं थे, थोड़ा था। अच्छा, बेसिकली जो आपने पढ़ाई चार्टी से तो क्वेश्चन उसी तरह से थे, तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल जो था वो इजी था? इजी था या बहुत हार्ड था या मॉडरेट था, क्या था? मॉडरेट। क्वेश्चन पेपर रादर इजी ही आया था, जीके के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे बट बाकी जितना सोचा था केमिस्ट्री और बायो इजी ही आया था। आप एक्सप्लेन करके बता सकती हैं कि पैटर्न किस तरह था, कितने सब्जेक्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे? जीके था, इंग्लिश था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था और मैथ्स था। उनमें से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे? जो जीके था वो 10 नंबर का था और ओवरऑल साइंस जो पूरा था केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स को मिला के वो पूरा 35 मार्क्स का था। मैथमेटिक्स 20 नंबर्स का था और इंग्लिश जो था वो 15 का था। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगा? जो ज़्यादा टफ था मेरे लिए वो जीके था, जिसके मतलब जनरल नॉलेज अच्छी है उसके लिए तो ईजी ही होगा बट मेरे लिए थोड़ा जनरल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा टफ लगा, बट फॉर मी द ईजीएस्ट वॉज बायो एंड केमिस्ट्री। सो आपने तैयारी कैसे करी थी? तैयारी मेरी जो जब से एंट्रेंस का सिलेबस आया था तब से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया और पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। आपके अकॉर्डिंग अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो क्या एंट्रेंस ईजी हो जाएगा? हाँ जी, एंट्रेंस ईजी हो जाएगा अगर एनसीईआरटी अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कोई भी एनसीईआरटी से लाइन उठा के क्वेश्चन बना दिए उन्होंने, तो अगर एनसीईआरटी ढंग से क्लियर है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। सो टोटल क्वेश्चंस 100 थे, तो आपने उसमें कितने अटेम्प्ट करे? 100 आउट ऑफ 100 ही अटेम्प्ट करे, और मैं सोचती हूँ कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए चाहे आता हो या ना आता हो, ट्राई। अच्छा, तो नेगेटिव मार्किंग था या नहीं? नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने जहाँ तक अटेम्प्ट करा है आई थिंक मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए और आप भी जामिया का पार्ट बनो। थैंक यू सो मच।